इस धरती को ऊंचाई से देखने पर इसका रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि इस धरती पर पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा अधिक है। धरती का 75% से अधिक क्षेत्र केवल पानी के अधीन है और बाकी पर जमीन है। हमने जमीन पर अब तक 80 से लेकर 90% जीवों के बारे में पता लगा लिया है, लेकिन समुद्र के जीवों के बारे में तो हम मात्र 10% से भी कम जान पाए हैं। और यह 10% जीव भी हैरान कर देने वाले हैं। ऐसे ही दो समुद्री जीव हैं, जिनके बारे में लोगों को सदैव कंफ्यूजन रहता है कि कौन है ज्यादा शक्तिशाली। उनका नाम है ग्रेट व्हाइट शार्क और इलेक्ट्रिक ईल। तो जानते हैं यदि दोनों का मुकाबला होता है तो क्या परिणाम होगा, कौन होगा विजेता। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र में निवास करने वाली एक खतरनाक मछली है, जो मौका पड़ने पर किसी भी तरह के जीवों पर हमला कर सकती है। आपको बता दें, शार्क की इस दुनिया में 400 से अधिक प्रजातियां हैं, जिसमें ग्रेट व्हाइट शार्क को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसको समुद्र की रानी का दर्जा भी प्राप्त है। शार्क दुनिया भर के सभी महासागरों में पाई जाती है। यह इंसानों पर हमला करने से भी नहीं डरती है। यह बहुत दूर तक खून की गंध का पता लगा सकती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतनी शक्तिशाली मछली होने के बावजूद भी शार्क के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती है। यह समुद्री जीवों का शिकार करती है। शार्क की केवल 10% प्रजाति ही इंसानों के लिए खतरनाक है। शार्क के मुंह में लगभग 300 दांत होते हैं, जो काफी नोकीले और खतरनाक होते हैं। शार्क के दांत टूटने के पश्चात दोबारा निकल आते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक ईल के बारे में। यह पानी का एक अनोखा जीव है। इलेक्ट्रिक ईल वास्तव में नाइट फिश परिवार से संबंधित मछली है। इस मछली के नाम के आगे इलेक्ट्रिक लगाने का मुख्य कारण यह है कि यह मछली करंट मारती है, और इसका करंट काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह करंट कैसे उत्पन्न करती है। दरअसल इसके शरीर में जो करंट उत्पन्न होता है, उसे इसकी बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल खतरा होने पर ही करंट का उपयोग करती है। यह मछली सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक ईल साउथ अमेरिका की नदियों में मौजूद है। इलेक्ट्रिक ईल मछली मुख्य रूप से अपने करंट का उपयोग छोटी मछलियों को शिकार बनाने के लिए करती है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो यह करंट अपने रक्षा के लिए भी करती है, और कभी कभी तो बड़े से बड़े जीव यानी मगरमच्छ तक का यह शिकार करने में सक्षम है। तो वहीं ग्रेट व्हाइट शार्क भी मगरमच्छ पर वार करने से नहीं डरती है। ग्रेट व्हाइट शार्क में फीमेल की लंबाई मेल से अधिक होती है। जिस पानी में ग्रेट व्हाइट शार्क रहती है, उसका तापमान मुख्य रूप से 12 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ग्रेट व्हाइट शार्क की आबादी इस समय दुनिया के ओशन में काफी तेजी से कम हो रही है। इसका मुख्य कारण कोई समुद्री जीव नहीं है, बल्कि हम इंसान हैं। इंसानों द्वारा इसका शिकार मात्र इसीलिए किया जाता है ताकि इसके लेदर का यूज किया जा सके। इसका लेदर अन्य जानवर के लेदर के कंपेयर काफी बेहतर है। ग्रेट व्हाइट शार्क एक डोमिनेंट क्रिएचर होती है, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा एग्रेसिव भी होती है। ग्रेट व्हाइट शार्क पूर्ण रूप से मांसाहारी होती है और समुद्री जीवों का शिकार करके ही जीवित रहती है। तो वहीं इलेक्ट्रिक ईल भी पानी के जीवों का शिकार करती है। बस दोनों के शिकार करने के तरीके में अंतर है। एक अपने तेज दांतों का उपयोग करती है, तो दूसरी करंट का उपयोग करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट का करंट उत्पन्न कर सकती है, जिससे खतरनाक जीवों तक की जान जा सकती है। शिकार को मारते समय काफी देर तक यह करंट के लगातार झटके देती रहती है। इसका छोटा बच्चा भी 150 से लेकर 200 वोल्ट तक का झटका दे सकता है। इस इलेक्ट्रिक ईल की लंबाई 6 से लेकर 8 फीट तक होती है और इसका वजन लगभग 20 से लेकर 25 किलो तक होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके अंदर 6000 इलेक्ट्रोलाइट सेल पाए जाते हैं, जो इसको एक साथ बिजली उत्पन्न करने में मदद करते हैं। इन मछलियों की इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन इनकी 80% एनर्जी का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी इसको करंट का उपयोग करना पड़ता है ताकि वो शिकारियों से अपनी रक्षा कर सके और शिकार कर सके।
तो अब इन समुद्री जीवों के बारे में इनकी महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषताओं को जान लेते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क का वेट होता है 1000 किलो से लेकर 1100 किलो तक, तो वही इलेक्ट्रिक ईल का वेट होता है 20 किलो से लेकर 25 किलो तक। ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई होती है 18 से लेकर 20 फीट तक, तो वही इलेक्ट्रिक ईल की लंबाई होती है 6 से लेकर 8 फीट तक। ग्रेट व्हाइट शार्क का जो पावरफुल हथियार है वह है इसके नोकीले दांत, तो वही इलेक्ट्रिक ईल का जो सबसे खतरनाक हथियार है वह है इसका इलेक्ट्रिक करंट। यह थे ग्रेट व्हाइट शार्क और इलेक्ट्रिक ईल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लेकिन यदि ग्रेट व्हाइट शार्क और इलेक्ट्रिक ईल का मुकाबला होता है तो पानी के अंदर यह काफी खतरनाक बंजर होगा। शारीरिक विशेषताओं को देखें तो ग्रेट व्हाइट शार्क का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है और दुनिया भर में शार्क के हमले को लेकर काफी कहानियां भी प्रचलित हैं। लेकिन यहाँ पर मुकाबला दो समुद्री जीवों के बीच में है, इलेक्ट्रिक ईल और ग्रेट व्हाइट शार्क का यदि आमना सामना होगा तो इलेक्ट्रिक ईल बच निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि वह जानती है कि ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार करने से उसे कोई लाभ नहीं है। लेकिन ग्रेट व्हाइट शार्क इलेक्ट्रिक ईल को अपने भोजन के रूप में देखेगी और उस पर वार करेगी। जब कभी ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक ईल शार्क को एक जोरदार झटका देती है, इसके बाद ग्रेट व्हाइट शार्क भाग जाती है। लेकिन यदि पानी के अंदर किसी ऐसी जगह पर ग्रेट व्हाइट शार्क ने इलेक्ट्रिक ईल पर हमला किया जो जगह काफी ज्यादा संकीर्ण हो, यानी कि बहुत ज्यादा पतली हो, तो ऐसी स्थिति में एक अडल्ट इलेक्ट्रिक ईल लगातार ग्रेट व्हाइट शार्क को 600 वोल्ट के कई खतरनाक झटके दे सकती है, जिससे कि ग्रेट व्हाइट शार्क दम तोड़ सकती है। इस तरह यह हमला ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए तो जानलेवा होगा, लेकिन यह हमला वास्तव में इलेक्ट्रिक ईल ने अपनी रक्षा के लिए किया होगा। यह थे इलेक्ट्रिक ईल और ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग फैक्ट। हालांकि दोनों की दोनों शिकारी मछलियां हैं, लेकिन आपने सुना तो होगा कि कभी कभार शिकारी भी शिकार बन जाता है, तो ग्रेट व्हाइट शार्क और इलेक्ट्रिक ईल के बीच में ऐसी घटना होने की संभावना बहुत ही ज्यादा अधिक है। हालांकि ग्रेट व्हाइट शार्क को समुद्र की रानी कहा जाता है और यह बहुत बड़े बड़े शिकार करने में सक्षम है, यह एक समुद्री प्रेडेटर है। तो वही इलेक्ट्रिक ईल समुद्र में एक छोटे आकार का जीव है जिसका शिकार भी काफी छोटी मछलियां या छोटे जीव होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल और ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में इन रोचक तथ्यों से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी भी किसी भी छोटे जीव को कमजोर नहीं समझना चाहिए, जरूरत पड़ने पर कभी वह छोटा जीव भी बड़े बड़े जीवों को हरा सकता है, उनकी जान ले सकता है। अतः यह चीज हम मनुष्यों को भी एक शिक्षा देती है कि यदि हम किसी कमजोर छोटे पर दबाव डालते हैं तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कहानी उल्टी हो जाए, उस कमजोर का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।